हाँ जी क्यों नहीं? तुम आत्मा हो ना? हाँ, आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना। आत्मा किसको कहा जाता है? तुम्हारी जो मन और बुद्धि है ना, वो ही आत्मा है। तो बाबा के साथ ही रहो हमेशा। अच्छा, हाँ। और बाबा, यमुनोत्री में उष्णकुंड है ना, यमुनोत्री में, हाँ। उसमें चावल डाले तो नरम हो जाते ना बाबा, बेहद में क्या अर्थ है? कभी भी गर्म पानी देकर यमुनोत्री में कोई ऐसा कुंड है जहां गंधक में से निकलता हुआ पानी आता है गरम गरम, कोई नीचे गंधक का पहाड़ होगा, उससे टकराता हुआ पानी आएगा तो गरम पानी आता है। भगत लोग जो जाते हैं वो जड़ चावलों को पकाते हैं, हैं? हाँ, और पका पका के प्रसाद की तरह खाते हैं। अब बाबा गंध कहते हैं, गंध कहते हैं ना, गंध। जैसे फरक्काबाद की तरफ जितनी भी स्टेशन है, ढेर सारी स्टेशनों के नाम गंध ही गंध। तो गंधक का माने करना, और गंध माने गंध करने वाला। ऐसा जो गंध करने वाला माहौल है, वहां से जब पानी गुजरता है, माने कौन सा पानी? ज्ञान जल, तो गर्म हो जाता है। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही क्लेरिफिकेशन बुद्धि में टकराता रहता है। तो ज्ञान जल बहुत गर्म हो जाता है। जैसे नदियों में जब बाढ़ आती है, ढेर सारा पानी आ जाता है। यहाँ चैतन्य नदियों में ढेर सारा ज्ञान जल आ जाता है। तो वो ज्ञान जल मटमैला होता है या शुद्ध होता है? मटमैला। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी की मिट्टी नदियों के जल में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, और जितने भी जानवर आते हैं उस चपेट में, फ्लड की चपेट में, गांव आते हैं, मनुष्य आते हैं, वो सब बोढ़ हम बोढ़ हो जाते हैं। ये देह अभिमान के कारण कामाग्नि की चपेट है जिसमें डूब मरते हैं। सूरदास ने भी लिखा है, आई ज्ञान की आंधी। आंधी जब आती है तो धूल मिट्टी बहुत आ जाती है, शुद्ध ज्ञान नहीं रहता है। और देह अभिमानी की मिट्टी में कामाग्नि जागृत होती है, गांव के गांव जल जाते हैं। ऐसे ये गंधक का पानी है, उस पानी में से गुजरते हुए जो आत्माएं पहले देह अभिमानी धान्य थे,
वो उनका छिलका उतर जाता है और वो पकते हैं लंबे टाइम तक। जैसे जगन्नाथ में दिखाया जाता है, चावलों का हंडा चढ़ता है तो चार भागों में बट जाता है। चावल पक जाते हैं, वो पके हुए चावल फिर खाते हैं प्रसाद समझ करके। यहां भी रुद्रमाला की आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं जो बहुत ही विकारी बन करके रहे। वो विकृत बुद्धि यहां शूटिंग पीरियड में अपना कार्य करती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ज्ञान अग्नि काम अग्नि का रूप धारण कर लेती है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों देखने में आता है कि काम और क्रोध की अग्नि, देह अभिमान बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और वो तो यमुना नदी है, गंगा नदी तो नहीं है। गंगा नदी की मिट्टी और यमुना नदी की मिट्टी में तो बहुत फर्क है। गंगा विष्णु के चरणों से निकलती है, बुद्ध रूपी पांव से निकलती है। विष्णु तो पवित्र माना गया है और यमुना, यमुना का जन्म किससे होता है? सूर्य से होता है। सूर्य तो आग का गोला है, आग ही आग भरी हुई है। तो बुद्धि में जो मंथन चलेगा ज्ञान का, वो देहाभिमान से भरा पूरा होगा या निर्विकारी मंथन होगा? देहाभिमान से भरा पूरा मंथन होता है। ऐसा ज्ञान का कुंड बनता है जिसमें गरम गरम जल, उबलता हुआ जल जैसे वो चावलों को पकाता है। ये आत्मा रूपी चावल हैं जो संसार का भोग लगाने के योग्य बन जाते हैं। ऐसा भोग लगता है जो सारी दुनिया तृप्त हो जाती है। चावल खाने की चीज है या पीने की चीज है? खाने की। ये अन्न है, ये याद का अन्न तैयार होता है। अनुभव से गुजरता हुआ ज्ञान है। ये ज्ञान याद की पराकाष्ठा तक पहुंचता है और दुनिया की जो जो आत्माएं इनके संसर्ग संपर्क में आती हैं वो तृप्त होती जाती है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है ऐसे ही तृप्त होती है। भक्ति मार्ग में ये यादगारें बनाई हुई हैं। द्वापर के आदि से ही शास्त्र बने हैं। उस समय शास्त्रों में सच्चाई थी परंतु बनाने वालों ने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जो कवि होते हैं उनकी भाषा
सीधी सीधी होती है या अलंकारक और प्रतीकात्मक होती है? अलंकारों से भरी पूरी, प्रतीकों से भरी पूरी होती है। सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे कंपिल में द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, यज्ञ कुंड बनाया गया और उस यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। अब बताओ, ज्ञान यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म होगा? होता है? या कोई स्थूल यज्ञ कुंड से देहधारी द्रौपदी का जन्म हो सकता है? देहधारी का जन्म तो गर्भ से ही होगा। ये तो ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाली बात है। और जगदम्बा को प्रायः करके आठ भुजा वाली बनाते हैं। दुर्गा को बनाते हैं तो भी अनेक भुजाएं देते हैं। ये तो बता दिया कि भुजा किसकी निशानी है? मददगार की निशानी है। कोई आत्माएं पवित्रता का पालन करते हुए जीवन में मददगार बनती है, कोई पवित्रता का उतना पालन नहीं करती, सिर्फ वाचा से और कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए मददगार बनती है। बाकी अंदरूनी जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो दो प्रकार की भुजाएं हो गई, एक दाई ओर की भुजाएं और एक बाई ओर की भुजाएं। जो दाई ओर की भुजाएं हैं, जो चार धर्मों से कनेक्टेड हैं, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख, ऐसे ही चार लेफ्टिस्ट भुजाएं भी हैं। कौन कौन सी? इस्लामी, इस्लामी भी, ठीक है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक तो भुजा बनता ही नहीं, अर्धनास्तिक की भुजा नहीं बनते है। हाँ, अभी बताया ना, सूर्य तामसी भी बनता है और सूर्य सात्विक भी बनता है। सत्युग में सूर्य सात्विक होगा, पंखे लगाने की दरकार नहीं होगी, कहीं ठंडी और कहीं गर्मी ऐसा माहौल नहीं होगा। और कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो सूर्य जोर से तपता है, ऐसे तपेगा जैसे आग के गोले बरस रहे हो, अकाल ही अकाल मंडराएगा। अति की गर्मी फैल जाएगी। अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं ओजोन टूटती जाती है, ओजोन स्त्री पुरुष की जो अंदरूनी शक्ति है उसको ओज कहा जाता है। वो ओजोन
फोन होना चाहिए या आप होना चाहिए? है ऑन ऑफ तो टूटना चाहिए, माना वो तेज शक्ति कभी ऑफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्या रहा, वो तेजस की शक्ति स्त्री पुरुष की वीर्य और रज की शक्ति फूटती जाती है, टूटती जाती है, इससे क्या होगा, इससे सहन शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी और ही घटती जाती है। ये देवताओं का मुख्य गुण है, जब घटेगी तो काम क्रोध का प्रभाव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और सूर्य एक तरफ और जास्ती तपता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, तो ये काम क्रोध में भी वृद्धि होती जा रही है। इससे क्या होता है, जो लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं वो विधर्मियों की, विदेशियों की मूल आत्माएं हैं। मुखिया हैं, वो मुखिया तो बड़ा ही काम करेंगे, छोटा काम करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे भी वैसे ही करेंगे। तो ये चार भुजाएं हैं जो लेफ्टिस्ट में हैं, जड़ें भी झाड़ की चार दिखाई गई हैं लेफ्ट में और चार दिखाई गई है राइट में। राइट यस जड़े हैं माता की ओर, वो माता को जगदम्बा समझ लो, और लेफ्टिस्ट जड़े हैं बाप की ओर। बाप को जगत पिता समझ लो, पुरुष सब हैं दुर्योधन दुशासन, उसमें बाप भी आ जाता है, ब्रह्मा भी आ जाता है। कन्या माताओं को तो नहीं ऐसे कहा कि सब हैं, सुपनखा पूत दुर्योधन दुशासन में सुपनखा पूतन है, हाँ कोई कोई होती हैं जो ज्ञान में आने के बावजूद भी सुपनखा पूतना का पार्ट बजाती है। तो ये चार चार भुजाएं दिखाई गई हैं, आधार मूर्त में भी चार चार भुजाएं हैं, और जो बीज रूप में देवियां प्रत्यक्ष होंगी उनमें भी चार चार भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। लक्ष्मी की पूजा अमावस्या के दिन होती है, और सत्यनारायण की पूजा पूर्णमासी के दिन होती है। इसका क्या मतलब है, अभी बोला किसका आवाहन करो, विजयमाला का आवाहन करो। क्यों आवाहन करो, तामसी तत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? तामस बढ़ रहा है, सूर्य को राहु ग्रस रहा है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते हैं ना, तो अमावस्या आ जाती है। रात्रि ही रात्रि, अमावस्या के टाइम पर आवाहन करने की जरूरत है, पुरुषों के द्वारा ज्ञान,
बांटने के कार्य से सृष्टि का उद्धार नहीं होना है। इसलिए किसको निमित्त बनना है? कन्याओं माताओं को निमित्त बनना है। कन्याओं माताओं में भी जगदम्बा और महाकाली को नहीं, किसको निमित्त बनना है? जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण करने वाली कन्या कुमारी है वो निमित्त बने। इसलिए अमावस्या के दिन जब घोर अंधकार की रात्रि होती है, सब अंधेरे में आ जाते हैं, दुनिया वाले तो अंधेरे में है ही हैं, बेसिक वाले ब्राह्मण भी अंधेरे में हैं, लेकिन संक्षेत्र से जो कहते हैं कि हम ज्ञान सूर्य को पहचान लिया, हमें मिल गया, वो भी घोर अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। तब ऐसे टाइम पर लक्ष्मी का आना होता है। लक्ष्मी के आवाहन का संपूर्णता का टाइम होता है। इसलिए अमावस्या के टाइम पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। और सत्यनारायण की पूजा है पूर्णमासी के दिन होती है। अब लक्ष्मी आएगी तो नारायण प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनेगा या निवृत्ति मार्ग का ही रहेगा? जब संगी साथी जो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ किस बात का है? पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ है। और पतित से पावन बनने के लिए मीडिया चाहिए माता गुरु, और माता गुरु प्रैक्टिकल में है नहीं तो पावन नहीं बन सकते। पावन बनने के लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या बिगड़ा हुआ बैलेंस हो? समान। शादी करते हैं तो जोड़ी मिलाते हैं ना, ऐसी जोड़ी तो नहीं मिलाते कि कन्या बहुत छोटी है, पतली है, और वर जो है बहुत मोटा है, लंबा चौड़ा है, ऐसा बनाते हैं क्या? नहीं, जोड़ी मिलाते हैं तो समान देखते हैं, समानता देखते हैं। तो ऐसे ही ये पुरुषार्थ में समानता की बात है। जो नारायण वाली आत्मा है उसका पुरुषार्थ भी जरूर वैसी ही कोटि का होगा। तो जो साथी है पवित्रता की पढ़ाई में, माता गुरु बनने वाली योग्यता रखने वाला वैसा ही होना चाहिए, उससे और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? प्योरिटी में और ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो नारायण जब पवित्र बनता है, क्यों प्योरिटी की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में नारायण आगे जाता है या नारायणी आगे जाती है? नारायणी। नारायणी आगे जाती है, जाती है। अगर नारायणी आगे जाए तो कौन किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? है जो प्योरिटी में आगे होगा वो ही कंट्रोल करेगा। फिर तो नारायणी को नारायण बनना चाहिए और नारायण को नारायणी बनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जो नारायण वाली आत्मा है वो ज्ञान में तो पहले से ही तीक्ष्ण है, लेकिन वो तीक्ष्णता सारी धरी रह जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान उसमें फेल। और जब प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करने के लिए
वैष्णवी शक्ति का उदय होता है तो तीव्र गति हो जाती है। इसको कहते हैं प्रकृति और पुरुष का संयोग। शास्त्रकारों ने सांख्य योग में ये लिख दिया कि पुरुष जड़ है और प्रकृति ना पुरुष जो है तो आत्मा लेकिन निष्क्रिय है, आत्मा कुछ कर नहीं सकती, निष्क्रिय, और प्रकृति चंचल है। प्रकृति के संयोग में जब पुरुष आता है तो पुरुष आगे चला जाता है, तीव्रता का मार्ग पकड़ लेता है। माना आत्मा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ऐसे ही है, माताएं भी समझती हैं इस बात को। घर घर में जो माताएं पुरुषार्थ करने वाली हैं, सबकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हमारे पति अभी ज्ञान में नहीं चलते हैं, अगर चलते भी हैं तो लंगड़े लुंजे होकर के चलते हैं, मैं अच्छी चलती हूं। लेकिन ये भी जानते हैं कि आगे चल करके जब वो पकड़ लेंगे अच्छी तरह ज्ञान को, बाप को पहचान लेंगे, तो हमारे से तीखे चले जाएंगे। तो ये कछुआ और खरगोश की दौड़ वाली बात है। इसलिए नारायण की पूजा जब संपूर्ण बनता है तब होती है, और लक्ष्मी की पूजा संपूर्ण ज्ञान न भी है तो भी प्योरिटी में आगे है, दुनिया के सारे कार्य प्योरिटी से संपन्न हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें चल रही हैं वो यथार्थ हैं या अर्थ रहित हैं? यथार्थ हैं, परंतु पंडे पुजारियों ने उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया, इसलिए सारा झूठ हो गया। हाँ जी, और हाँ जी, हमें प्रश्न है, विष्णु चतुर्भुज में शंख को आयनाथ की पूजा, शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु के दो हाथ हैं बाई ओर और दो हाथ हैं दाई ओर, जो दाई ओर के हाथ हैं उनमें चक्र और गदा है, नहीं हाँ दाई ओर के हाथ हैं उनमें चक्र और गदा है, और बाई ओर के जो हाथ हैं उसमें शंख और कमल फूल दिखाया गया है। कमल फूल जो है वो कीचड़ में रहते पवित्र रहने की यादगार है, जीवन कीचड़ जैसा है, देखने में आता है कीचड़ ही कीचड़, लेकिन मन बुद्धि से पवित्र है। मन बुद्धि की एकाग्रता एक ओर है, इसलिए जगदम्बा वाली जो भ्रजा भुजा है वो कमल फूल समान जीवन की सूचक है, और ऊपर है जगदम्बा की साथ ही आत्मा जो लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा के ऐड होने से महालक्ष्मी,
जो लक्ष्मी है उसके आने मात्र से ही ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूक जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब शंख ध्वनि हुई तब युद्ध शुरू हुआ असली। तो ये सत्य असत्य का युद्ध है, इसका विस्फोट तब होता है जब लक्ष्मी और उसकी भुजाएं मैदान में कूदती है। लक्ष्मी और उसकी भुजाएं सरेंडर्ड वर्ग में से हैं या नॉन सरेंडर्ड में से हैं? सरेंडर्ड वर्ग में से हैं। वो सरेंडर्ड वर्ग सन्यासी का पार्ट बजाए रहा है या नॉन सरेंडर्ड कन्या माताओं की तरह गृहस्थी जीवन का पार्ट बजाए रहा है? सन्यासी का पार्ट, सन्यासी का पार्ट बजाए रहा है। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के मुकाबले प्योरिटी की पावर उनमें ज्यादा है या कम है? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर ज्यादा है, इसलिए वो आत्माएं जब निकलेंगी तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो दुर्योधन दुशासन कंसी जरासिंधी बनकर बैठे हुए हैं उनको जोर से क्रोध आएगा और क्रोध में आकर के उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे, युद्ध बहुत तीव्र हो जाएगा। और उस युद्ध की तीव्रता के बीच में ही गेट वे टू हेवन इज महाभारत। वो महाभारत युद्ध ही सचखंड का गेट खोल देगा, नई दुनिया प्रख्यात हो जाएगी। ये शंख की बात है, शंख जब बजता है तो चारों तरफ दुनिया में समान रूप से आवाज फैलती है या कोई दिशा में कम और कोई दिशा में ज्यादा आवाज फैलती है? हैं? चारों ओर संसार में आवाज फैलती है। इसलिए लक्ष्मी के रूप में जो हाथ है दायां वो शंख ध्वनि वाला बताया गया है। और श्लोक ज्यादा संस्कृत पर है ना? संस्कृत में है ना श्लोक? हाँ जी संस्कृत पर रहते ना है श्लोक ज्यादा। हाँ जी हिंदी में पहले रहना ना चाहिए, संस्कृत कहाँ से बीच में आया? कहाँ से बीच में आया? संस्कृत हिंदी में रहना चाहिए ना श्लोक? हिंदी भाषा तो मिक्स भाषा हुई, हिंदू धर्म ये मिक्स धर्म है या ओरिजिनल सत्य सनातन धर्म है? हिंदू धर्म मिक्स धर्म है, इसलिए हिंदी भाषा भी मिक्स है, सब भाषाओं की खिचड़ी है इसमें। जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन काल में प्राकृत और पाली आदि जो पुरानी भाषाएं थी, वैदिक आदि भाषाएं जो वेदों में भाषा मिलती है उस प्रकार की पुरानी भाषाएं थी, वो अशुद्ध थी, उनको विद्वान पंडित आचार्यों ने खास करके पाणिनि ने व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्था में लाया व्याकरण बना करके, उसको फिर संस्कृत कहा गया। वो संस्कृत भाषा जो है वो विद्वानों की भाषा है, वो भाषा भी
संसार में कहीं बोली नहीं जाती है, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा देखा जहां के लोग संस्कृत बोलते हो? कोई नहीं। संस्कृत भाषा आर्टिफिशियल भाषा बनाई गई है। लेकिन सुधारी हुई भाषा है। जो सुधारी हुई भाषा है उसका व्याकरण इतना तीखा है, सशक्त है कि दुनिया की कोई भी भाषा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उस संस्कृत भाषा में बाद वाले जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, वेदों के, आरण्यक के और ब्राह्मणों के बाद, वो सब संस्कृत में तैयार किए गए। वो संस्कृत के श्लोक हैं। हिंदी तो बाद में तैयार हुई है, जब विदेशियों के आक्रमण भारत में होने लगे। मुसलमान आए, उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाएं बोलना मिक्स कर दी हिंदुओं के साथ, और हिंदू उनमें मिक्स हो गए आसानी से। ऐसे ही अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों की भाषा भी हमारी हिंदी भाषा में बहुत मिक्स हैं शब्द। लेकिन ये जो भाषाएं अभी प्रचलित हैं, प्रैक्टिकली बोली जा रही है, उनके मुकाबले संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो बहुत पावरफुल है। इसलिए आर्यों की भाषा कह दी है। देववाणी कह दिया है। वास्तव में है यहां की बात। शिव बाबा ने आकर के जो ज्ञान सुनाया है वो परिष्कृत ज्ञान है, या मनुष्य गुरुओं ने जो ज्ञान सुनाया वो परिष्कृत है? परिष्कृत माने सुधरा हुआ। तो हम जो भाषा बोलते हैं, अगर किसी ने साप्ताहिक कोर्स नहीं किया है, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स नहीं किया है, तो हमारी भाषा को समझता ही नहीं। हम समझते हैं कि इसमें सच्चाई है, उनकी समझ में नहीं आता। ऐसे ही संस्कृत है भक्ति मार्ग के हिसाब से। नारायण चित्र में लक्ष्मी को नारायण की बाई तरफ दिखाई दे है, लक्ष्मी को नारायण के बाई तरफ दिखाने में। जिस समय ये चित्र बनाया गया है उस समय लक्ष्मी जो है नारायण के मुकाबले कंट्रोल्ड है या कंट्रोल करने वाली है? है कंट्रोल्ड है। जो नारायण है वो नारायण कंट्रोल्ड होना चाहिए या कंट्रोलर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हैं?
चित्रों के हिसाब से कंट्रोलर होना चाहिए। प्योरिटी को कंट्रोलर होना चाहिए या इम्प्योर को कंट्रोलर होना चाहिए? पर्सनालिटी, ये तो देवान की बात हो गई। कोई जानबूझ करके जबरदस्ती करके बड़ा बन जाए, जैसे आजकल के माहौल में दुनिया में पुरुष बड़ा बन गया या स्त्री बड़ी बन गई, तो ये देवान की बात हुई या आत्माभिमान की बात है? तो जब जो चित्र बनाए गए हैं जड़ चित्र, उन जड़ चित्रों के हिसाब से लक्ष्मी को जो बाईं ओर रखा गया है, या भक्ति मार्ग में भी जो बाईं ओर रखते हैं, वो पुरुषार्थी जीवन की यादगार है, संपन्नता की यादगार नहीं है। जब संपन्न बनेंगे तो नारायण नारायण रहेगा। क्यों? क्योंकि प्योरिटी में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और नारायण ही नारायण रहेगी। अभी तो ठीक नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा को एक चित्र मिला लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है, तो बाबा ने वो चित्र हटा दिया। अब बाबा की बुद्धि में नहीं आया स्थूल पांव पर दबाने की बात है या बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है? बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है। अभी नारायण से कनेक्टेड जो बच्चे हैं पुरुषार्थी जीवन में, वो सर्विस की प्रत्यक्षता दिखा पा रहे हैं। नारायण को या नारायण बनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं? कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो नारायण का हेडेक बढ़ेगा या घटेगा? है बुद्ध रूपी पांव में दर्द होगा या आराम महसूस होगा? दर्द होगा। लक्ष्मी जब निकलती है अपनी भुजाओं के साथ, तो चारों ओर दुनिया में संघ ज्ञान का फूंक देती है, आवाज निकल पड़ती है, ज्ञान की आवाज बुलंद हो जाती है, बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो हेडेक कम होगा, खुशी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। तो पांव दबाना हुआ सच्चाई है या झूठा है? सच्चाई है। नारायण के लक्ष्मी पांव दबा रही है वो सच्चाई है, ये संगम युग की सच्चाई है। बाकी स्वर्ग में कोई पांव दबाने की दरकार ही नहीं होगी, वहां तो बाहों में कोई दर्द थोड़े ही होगा। और काले कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को काला दिखाया है, बच्चा दिखाया है। बच्चा दिखाया है या बड़ा दिखाया है? जिस कृष्ण की पूजा करते हैं वो कृष्ण को बच्चा दिखाया है, तो बच्चा स्थूल में है या बुद्धि के हिसाब से बच्चा है? बुद्धि के हिसाब। कैसा है? है बुद्धि के हिसाब से। बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से बच्चा बुद्धि है, बाकी कोई शरीर से बच्चा होने की बात नहीं है। और जो बच्चा होता है वो तो मिट्टी खाता ही है, बच्चे की आदत होती है उंगलियों से मिट्टी निकाली और खाना शुरू कर दी। शास्त्रों में भी गायन है, गोपियां आकर के यशोदा से शिकायत करती हैं, यशोदा तेरा लाला माटी खावे,
तो मिट्टी तो खाता है, बच्चा बुद्धि है ना। और मिट्टी खाता है तो काला होगा या गोरा होगा? काला ही होगा। काला है कृष्ण तो ग्लानी होगी, या गोरा बन जाएगा तो ग्लानी होगी? काला होगा तो ग्लानी होगी, और गोरा बन जाएगा तो ग्लानी क्यों होगी? और अकेले कृष्ण की बात थोड़े ही है, राम को भी काला दिखाया, कृष्ण को भी काला दिखाया, जगन्नाथ को भी काला दिखाया, अरे शिवलिंग को भी काला दिखाई दिया अभी तो। और भावनावादी जो होते हैं वो सोचते हैं, जो भी समझाएं दी गई है वो समझ भी नहीं सकते, और ज्यादातर डोके में आते हैं। ऐसा पाठ क्यों बचता है? क्योंकि भावनावादी तो सोचे, जो अंधश्रद्धालु होगा वो भावनावादी ही तो होगा, और अंधश्रद्धालु धोखा नहीं खाएगा तो क्या जो श्रद्धावान होगा वो धोखा खाएगा? श्रद्धा भी ज्ञान युक्त तो होनी चाहिए ना। भक्तों तो ज्ञान ही नहीं होता बिना समझे, जिसने जो आया जो कह दिया सो सत्य वचन महाराज फॉलो करने लग पड़ते हैं। भावना वाले सब साफ दिल होते हैं, जो भक्त भावना वाले होते हैं। बाबा तो कहते हैं भगत ठगत, तुम उल्टी बात कह रहे हो, भगत बड़े ठगत, ये मुरली में बोला। तो भगत ठगने वाले होते हैं, धोखेबाज होते हैं, या भावना शुद्ध भावना वाले होते हैं। हाँ है, सात्विक होते हैं विजय माला के। विजय माला वाले भी सात्विक तब होते हैं जब एडवांस ज्ञान ले लेते हैं। एडवांस ज्ञान लिए बगैर बकरी बुद्धि है या शेरनी बुद्धि है? शिव शक्तियां हैं या जिसने भी कान पकड़ लिया है उनकी शक्ति बन करके बैठ जाते हैं? मुरली में क्या बोला है? त्रिमूर्ति में भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं तीन शेर हैं, लेकिन वास्तव में तीन शेर नहीं है, एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। तो बकरी क्या करती है? पीछे पीछे चलती है आंख बंद करके, या अपनी अकल से चलती है? पीछे पीछे चलती है, बच्चा भी जानता है। पवित्रता भी काम तब आती है जब उसमें ज्ञान युक्त पवित्रता हो, बुद्धि में बैठे कि प्रवृत्ति में रहते रहते हम पवित्र बन के दिखाएं। दूरबाज खुशबाज वाले पवित्र नहीं, ये सन्यासियों वाली पवित्रता कायरों की पवित्रता है, वो मनुष्यों की सिखाई हुई पवित्रता है। भगवान आकर के हमको देवी देवता बनाते हैं, वो देवी देवताओं की पवित्रता कायरों की पवित्रता नहीं है। वो देवी देवताएं तो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ खेलते हैं, दूरबाज खुशबाज नहीं है। तो पहले ज्ञान तो ले कि सच्ची पवित्रता क्या चीज है।
काशी और स्थान में रहने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में रहो और बाबा को खूब याद करो तो यावा की याद से उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा। शिव बाबा को 70 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, क्या पढ़ाई मुख्य पढ़ाई? पवित्र बनो योगी बनो। 70-71 साल से बच्चों को बोलते 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 थक जाना चाहिए ना, नहीं थकना चाहिए? थक जाना चाहिए। समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। बाबा का उमंग उत्साह कम होता है? नहीं। बाबा का उमंग उत्साह बिल्कुल कम नहीं होता। तो ऐसे बाबा का हम संग करेंगे तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और आत्मिक स्थिति की सही परिभाषा ही नहीं मालूम। जब परिभाषा नहीं मालूम तो फिर रह सकेंगे? अगर किसी की बुद्धि में बात बैठी हुई है कि आत्मिक स्थिति की सही परिभाषा ये है कि हम देह है में जो सबसे ज्यादा खींचने वाला अंग है उसको याद करेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति यही पक्की है, तो ये बात सच्ची है क्या? है ये तो रजनीश का ज्ञान हो गया। ऐसे थोड़े ही बाबा ने जो बताया है वो ही बात पक्की है, वो ही सच्ची है। बाबा ने बताया अपन को ज्योति बिंदु आत्मा सितारा समझो। तो जैसे बाप का बच्चा बिलायत में चला जाता है, अम्मा का बच्चा बिलायत में चला जाता है, तो अम्मा जब बच्चे को याद करती है तो उसका रूप आ जाता है कि सामने की नहीं आता है? सामने है क्या? सामने नहीं है तो भी रूप को सामने देखती है। ऐसे ही आत्मिक स्थिति वाला हो तो वो बिंदु देखने में आना चाहिए। दूसरे से बात करे तो आंखें में नजर न जाए, कहां बुद्धि जाए, प्रकृति के बीच में आत्मा देखने में आए, वो सितारा चमक रहा है। किसने मना किया कि संग न करो? किसने मना किया? क्या नहीं बता है? क्या लोग हर समय स्टार को देखने की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि स्टार ही स्टार देखने में आए, दूसरों को देखें तो स्टार देखने में आए, खुद को याद करें तो स्टार देखने में आए, मन चिंतन मंथन करें तो भी स्टार। जैसे हमारी आंख ये है, ये आंखें नहीं है, असली आंख कौन सी है? ये स्टार आंख है, इस तीसरे नेत्र से हम देखते हैं तो याद पक्की नहीं होगी। ये बच्चा भी समझता है, है? परिस्थिति 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 किसकी बनाई हुई है और स्वस्थिति कौन बनाता है? परिस्थिति पर की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई है, और स्वस्थिति हमारी आत्मा की बनाई हुई है। हमारे बाप ने हमको पढ़ाई पढ़ाई है स्वस्थिति की। कौन कहता है आप परिस्थिति में रहो? क्यों न रहो?
ऐसे माहौल में रहो जहाँ स्वस्थिति हो, स्वस्थिति की ही 24 घंटा पढ़ाई हो, स्वस्थिति का ही खाना हो, स्वस्थिति का ही पीना हो, दुनियावी धंधा हो ही नहीं जहाँ। अरे दुनियावी धंधे के बीच में रहेंगे, दुनिया के बीच में रहेंगे, जैसे बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आते तो खुश हो जाते हो, बाहर जाते हो माया तुमको रफू चक्कर कर देती है आत्मिक स्थिति को। क्यों होता है ऐसा है? क्या कह रहा है? दुनिया को छोड़कर तो यहाँ नहीं आना ना, दुनिया को छोड़कर यहाँ नहीं आना है, जिम्मेदारी है ना, है जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है बताओ तो। दुनिया कहती है, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है? दुनिया तो रावण संप्रदाय हो गई है, उनकी तरह हम पवित्र रहें कि शराब पिए, मांस खाएं, गोश्त खाएं, अंडा खाएं, होटलों में रहें, तब हम पवित्र रहेंगे। दुनिया की जिम्मेवारी, दुनिया की तरह हम भी जिम्मेवारी, बीच में रहते हुए पक्का है अंत तक दुनिया की जिम्मेवारी लेके रह सकोगे? जैसे सन 47 में हुआ था, तो 7-7 तालों के अंदर बंद करके जिम्मेवारी लेकर के बैठे के थे, उनका क्या हुआ फिर? छोड़ छाड़ के भाग गए, सब भूल गए जिम्मेवारी और जिम्मेवारी के बाप, पति बनना ही भूल गए। तो पक्का है विजय माला को सन्यासी कहते हैं, कहते हैं ना, तो है नहीं सन्यासी है, इसीलिए कहते हैं प्रवृत्ति में नहीं है। हाँ और तिरुमला में जाकर के पत्थर बन गए। मेरो माला नहीं तेरो माला, क्या मेरो पति जैसे तिरुपति वैसे ही तिरुमाला, तिरुमाला माने तेरी माला है मेरी माला नहीं है। तो बताओ जो तिरुपति जी हैं, माला उनकी है असली या विजय माला असली है? रुद्रमाला के मणकों को विजय माला में ऐड होना पड़ेगा, तो असली माला कौन सी हुई? विजय माला असली हुई। और जब विजय माला को आगे रखोगे तो रुद्रमाला पढ़ाई पढ़ने वाली हो गई प्योरिटी की, या पढ़ाई पढ़ाने वाली हो गई? पढ़ने वाली हो गई, तो वो माला ऊंची हो गई, ऊंचाई माने पहाड़। और वहां जब पहुंचे और गुरु जी के नीचे आ गए तो शिष्य पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि। क्या है? शिष्य कहेंगे पत्थर बुद्धि, और उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला पारस बुद्धि। तो अच्छी बात तो है, भक्ति मार्ग में जो कहा है कि तिरुपति जी पहाड़ पे जाकर के पत्थर बन गए तो ठीक बन गए। अरे भगवान भी तो यही कहते हैं गीता में, हे अर्जुन
तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा। देखा है पत्थर बुद्धि बन जा। और बाबा हाँ एक माताजी पूछ रहे हैं कि नवग्रहों के बारे में उनकी मूर्तियां काला क्यों होती हैं? जो नौ ग्रह हैं सूर्य बुध आदि वो पुरुषार्थी जीवन में काले होते हैं या गोरे होते हैं? काले होते हैं। पुरुषार्थी जीवन का ही उनका गायन है, उनकी पूजन है, क्योंकि प्योरिटी के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है, पीछे कदम नहीं हटाया है, इसलिए नवग्रहों की पूजा होती है, उन मूर्तियों की भी पूजा होती है। ऐसे नहीं वो पवित्र हैं, इसलिए पूजा होती है, पवित्रता के पुरुषार्थ की पूजा होती है। पवित्रता के पुरुषार्थ में माया 20 बार नाक रगड़वा दे तो भी हिम्मत न हारे, उसकी पूजा होती है। ओम शांति।